Kishka. Kishka. हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसके एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह से व्हाट्सअप स्टेटस गाइस वीडियो बनाने वाले हैं, जो लिरिक्स भी चल रहा है, प्लस गाइस यहां पे इफेक्ट भी आ रहा है। तो गाइस कुछ इसी तरह से आप भी गाइस बेटर यहां पे बहुत अच्छी तरह से गाइस इस तरह से बना सकते हो स्टेटस। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटस वीडियो गाइस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, और इस एप्लीकेशन का नाम गाइस काइन मास्टर, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके गाइस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक लाल कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख जाएगी, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह का स्टेटस वीडियो गाइस बनाने हैं हमें काइन मास्टर से, तो आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिना वाटरमार्क वाला। तो जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी फीचर सभी अनलॉक है गाइस। और यहां पर जितने भी आपके क्वेश्चन जो होते हैं कि भाई ब्लेंडिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, वीडियो वगैरह में भाई उसका जो भी गाइस, सारा आपको इस काइन मास्टर में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पर गाइस सिंपल प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, 9.16 की रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, सेटिंग में आ जाना है, एडिटिंग में आ जाना है, यहाँ पे फिल स्क्रीन क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ऊपर डन कर देना है। उसके बाद में गाइस आपको अपनी गैलरी से आके फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो से स्टेटस बनाना चाहते हो, और ये फोटो गाइस ऑटोमेटिक ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी गाइस जो फोटो फिक्स होगा फोटो पर क्लिक कर देना, देन गाइस आपको यहाँ पर देख सकते हो पैन एंड जूम की जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना, देन इस पर क्लिक करके इक्वल कर लेना है, और दोनों फिंगर से गाइस यहाँ से इक्वल कर लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद में गाइस आपको इसमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो नीचे स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद में ग्लो लाइन नाम का गाइस ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट है, इसको क्लिक करके 0.1 कर देना है। उसके बाद में गाइस फिर से प्लस पे क्लिक करके अब आपको दूसरी वाली गाइस यहां पे फोटो पे लगा लेना है, तो फिर से आपको 2 कर लेना है। तो कुछ इसी तरह से गाइस आप जितने भी फोटो सिलेक्ट करोगे उस फोटो के आगे में प्लस का आइकन दिखेगा, और यहां पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके इस ग्लो लाइन ट्रांजैक्शन इफेक्ट को आपको अपनी वीडियो में गाइस ऐड कर लेना है। उसके बाद में गाइस इसको डाउनलोड करने के भी गाइस मैं प्रोसेस बताऊंगा, तो इससे पहले गाइस इसमें हम सभी ट्रांजेक्शन को लगा देते ग्लो लाइन वाले की। तो गाइस यहाँ पे लगा दिया, अभी एक लास्ट फोटो बच चुका है, तो यहाँ पे इसको भी मैं क्लिक करता हूँ गाइस, यानी प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, और जैसे गाइस इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ग्लो लाइन का गाइस ये इफेक्ट है। यहाँ से फिर से गाइस सिंपली यहाँ पे लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए मोबाइल के इंटरनेट को ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, और यहाँ पर गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको एक वाइप नाम की इफेक्ट दिख रही है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे फोर्थ नंबर में गाइस आपको यहाँ पर ग्लो लाइन के ऑप्शन मिल जाएगा, इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में गाइस सिंपली आपको एक एक करके लगा लेना है। अभी गाइस जो आपकी वीडियो है देख सकते हो कितना अच्छा गाइस यहां पे इफेक्ट देगा, जो काफी शानदार दिख रहा है। यहां पर फर्स्ट वाले वीडियो के थोड़े से ड्यूरेशन गाइस यहां से हम कम कर देते हैं, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा यहां पे लेंथ हो चुका है, और लास्ट वाले को भी गाइस थोड़ा सा हम यहां से कम कर देते हैं ड्यूरेशन। अभी फ्रेंड्स आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आकर लेयर में आकर मीडिया का ऑप्शन में आ जाना है, और यहां से गाइस फिर से गैलरी में जाते हैं, और गैलरी से गाइस यहां से क्या करते हैं एक टेम्पलेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहां से सिंपली मैं इस गैलरी में आ चुका हूं, यानी अपने गैलरी में आ चुका हूं, और यहां से गाइस इस वाले टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद में गाइस इसको यहां पे कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। ठीक है, जूम करने के बाद में गाइस सिंपली आपको क्या करना है, इसकी म्यूजिक को मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, म्यूजिक को बंद करने के बाद में गाइस नीचे आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अभी गाइस देखिए जो हमारी वीडियो गाइस काफी शानदार गाइस यहां पे इफेक्ट दे रही है, देख सकते हो। अभी गाइस आपको फिर से वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर के ऑप्शन में आके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है, और यहां से गाइस फिर से गैलरी में आता हूं, गैलरी से इस लिरिक्स वाले वीडियो को गाइस सिलेक्ट कर लेना है। इस लिरिक्स को सिलेक्ट करने के बाद इसको वीडियो के स्टार्टिंग में कर देते हैं, देन गाइस इसी लिरिक्स पे क्लिक करके कुछ इस तरह से पहले हम जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद में गाइस आपको यहां पे एक सिंपली ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल कर दोगे गाइस यहां पर आपको यहां पर लगा देना, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं गाइस, कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे क्या करना है, फिर से गाइस आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, और यहाँ लेयर पर जाके मीडिया के ऑप्शन में चले जाना है, और यहाँ से गाइस फिर से हम गैलरी में आ जाते हैं। गैलरी में आने के बाद में गाइस यहाँ से एक ब्लैक स्ट्रोक्स वाली जो पीएनजी है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस। इसको सिलेक्ट करने में तो कुछ इस तरह से जूम करके यहाँ पर लगा देना है, और लगाने के बाद में गाइस इसकी ओपासिटी जो है यहाँ पर कम कर देना है, देखिए कुछ इस तरह से कम कर देना है। देन गाइस इसकी ड्यूरेशन को आपको वहाँ तक बढ़ा देना है जहाँ तक अपनी स्टेटस वीडियो रहेगा। अभी गाइस जो लिरिक्स वीडियो उसको क्लिक करके इसी पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा
जाकर देख सकते हो, 3 डॉट का इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेकंड नंबर पे देखिए ब्रिंग टू फ्रंट इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कर दोगे ये लिरिक्स ऊपर आ जाएगा गाइज। और यहाँ पर गाइज जैसे हमारे वीडियो प्ले होगा देख सकते हो कुछ अच्छा हमारे दिख रहा है, तो कुछ इसी तरह से गाइज आपको प्ले कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आके फिर से लेयर पे आके मीडिया का ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से गाइज फिर से गैलरी में जाना है और गैलरी से गाइज फिर से आपको एक बॉर्डर वाली पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे बॉर्डर पीएनजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से गाइज सिंपली इसको ड्यूरेशन को बढ़ा देना है, फुल स्क्रीन यहाँ क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। इसी बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करके नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर देना है। जैसे गाइज इस वीडियो का प्ले करके हमारे वीडियो कुछ इस तरह से गाइज प्ले होने लग जाएगा जो काफी शानदार गाइज यहाँ पे इफेक्ट दे रही है। अभी गाइज आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है, जो भी वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट है उसको क्लिक करके कैंची के निशान पे आके ट्रिम कर देना है। तो गाइज यहाँ पे क्लिक करते हैं, कैंची के निशान पे आके सभी एक्स्ट्रा पार्ट को गाइज यहाँ से क्लिक कर दिया है, ट्रिम कर दिया हूँ। अभी गाइज सिंपली आपकी वीडियो काफी शानदार बन चुकी है, तो गाइज कुछ इसी तरह से बना सकते हो। तो ऑल मटेरियल का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। नहीं तो गाइज टेलीग्राम पर भी सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर गाइज सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पर शेयर के बटन पर और यहाँ पर इस वीडियो को अपने गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर भी अभी तक हमें गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।